जी मीडिया ने देश में खेती किसानी पर लगातार होने वाली राजनीति से अलग इसके सकारात्मक पक्ष को उभारने की ठानी है और इसी का परिणाम है किसी निजी नेशनल चैनल पर खेती के तकनीकी पक्ष पर आधारित पहला और एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्पण रहा है। जो लगातार आपकी पसंद की कसौटी पर आगे रहा है। अब हमने इससे एक कदम आगे देश के अलग अलग हिस्सों में खेती पर किसान विमर्श और कृषि मंथन कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें अपनी नीतियों से देश समाज को प्रभावित करने वाले देश के कद्दावर मंत्री होते हैं तो दूसरी ओर उनसे सीधा संवाद और सवाल करने के लिए हम किसानों को भी मंच मुहैया कराते हैं। जिस तरह से पंचायत में कृषि कार्यालय की व्यवस्था करवाई गई है जी, उसी तरह अगर पंचायत में ई मंडी की व्यवस्था कर दी जाए जी, तो हम किसान जो उत्पादन करते हैं उसको वहीं से हम लोग एक रेट देख कर वहीं से हम लोग रेट तय कर सकते हैं। अलग करो कि किसान इसको पैदा करेगा और बेचेगा भी, और मुझे खुशी है कि 18 राज्यों ने नियमों में परिवर्तन किया और उसके बाद हमने राज्यों को पैसा देना शुरू किया। जाहिर है जब सरकार और जनता आमने सामने होंगे तो विकास का असली चेहरा पूरी पारदर्शिता के साथ सबके सामने होगा। साथ ही खेती में उल्लेखनीय काम करने वाले किसानों को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। ये मुकाम हासिल किया है सरकार की योजनाओं के जरिए, इन्होंने खुद को जागरूक किया है, उनका लाभ उठाते हुए समाज को किसान समुदाय को बहुत कुछ दिया। सुशील कुमार जायसवाल जी, लाल सराय जिला पश्चिम चंपारण के, हर महिला के लिए मिसाल बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू कुमारी जी और मुबारक आपको सम्मान के लिए। इसी कड़ी में हमने पिछले दिनों पटना के रविंद्र भवन में किसान विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत तौर पर भगवान गणेश को याद करके होती है, उनकी स्तुति करके होती है। ये दीप, ये लौ, ये रोशनी यूं ही बरकरार रहे हमारे सभी किसान भाइयों के जीवन में और यूं ही रोशनी फैलाते रहे, यही हम सबकी ख्वाहिश है, यही हम सबकी तमन्ना है। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह। एक बार जोरदार तालियों से केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी का स्वागत कीजिएगा। इसके साथ ही बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। देश के मौजूदा हालात पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपनी राय खुलकर रखी। दरअसल मोदी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का है और इसके लिए मंत्री जी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आम लोगों को और जागरूक करने की बात कही। सबसे पहले मैं जी टीवी के झारखंड और बिहार के तमाम दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और यहां उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पांचवा बजट अभी आया और मेरे पहले जो सरकार थी, मोदी सरकार के पहले जो राजकुमार की सरकार थी, तो राजकुमार के सरकार में 5 वर्ष का जो कृषि मंत्रालय का बजट था वो 1,21,000 करोड़ रुपये का था और मेरा जो पांचवा बजट है ये इसको यदि जोड़िए तो ये 2,11,000 करोड़ का है। ये बजटीय निवेश हमने बढ़ाया और दूसरा कि बजट के अलावे भी कॉर्पस फंड बनाया जो पहले नहीं बनता था। ये जो सिंचाई है इसके लिए जो बड़ी सिंचाई की योजना है उसके लिए 50,000 करोड़ का, माइक्रो इरिगेशन के लिए 5,000 करोड़ का, फिर डेयरी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 10,881 करोड़ का बनाया, फिर उसके बाद ये जो फिशरी एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 8,500 करोड़ का बनाया, फिर अभी जो चर्चा कर रहे थे कंप्यूटरीकरण की, 63,000 पैक्सों के कंप्यूटरीकरण के लिए अलग से नाबार्ड के सहयोग से फंड बनाया, पशुपालन के लिए 2,500 करोड़ का फंड बनाया, तो बजटीय आवंटन भी बढ़ाया और कॉर्पस फंड भी बनाया। सर आपने दो बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, इनपुट मैनेजमेंट और आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट मैनेजमेंट मतलब जितने आदान हैं,
किसान को बिजली, पानी, खाद, बीज, प्लांटेशन, इसमें लागत कम हो और अच्छे क्वालिटी का मिले। तो सबसे पहले जो मेरे ध्यान में बात आ रही है कि जब मैं कृषि मंत्री बना था तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया और एक बात उन्होंने कही कि बहुत पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो यूरिया जो है खाद ये ब्लैक में मिलता था बहुत, और लाठी चलती थी, अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते थे, बड़ी लंबी लंबी कतारें थी। तो अटल जी ने, राजनाथ सिंह जब कृषि मंत्री थे, तो एक कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री को जो भारत सरकार के खजाने से हजारों करोड़ रुपया जाते हैं, ये फैक्ट्रियों को इसलिए जाता है कि सही समय पर और उचित कीमत पर किसान को यूरिया खाद मिले। लेकिन होता क्या था कि बैक दरवाजे से 40% यूरिया केमिकल फैक्ट्रियों को और सिंथेटिक दूध को जाता था, मिलावट के कारोबार। देश के कृषि वैज्ञानिकों ने फील्ड ट्रायल करके कृषि मंत्रालय को दिया कि नीम कोटेड कर दो तो ये मिलावट कारोबार में नहीं जाएगा, बाजार में उपलब्ध होगा। अब आप देखिए कि 2004 में रिपोर्ट आ गया, फील्ड ट्रायल हो गया और 14 तक राजकुमार जी खटिया पर सोए रहे, इसकी चिंता नहीं करी। लेकिन जब गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने पहला काम किया, कृषि मंत्री को कहा कि ऐसा काम करो कि 1.5-2 साल के अंदर एक एक दाना यूरिया जो देश में पैदा ले उसको नीम कोटेड करो। और आज हम सीना तान के कह सकते हैं कि अब हिंदुस्तान में एक दाना भी यूरिया पैदा लेता है तो नीम कोटेड है, विदेश से भी आता है तो बंदरगाह पर नीम कोटेड। बहुत पहले पूरे विश्व को चेतावनी दी गई थी कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करो, क्योंकि किसान अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, पैसा भी ज्यादा लग रहा है और मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है। मुझे वो शब्द याद है जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था, दुनिया के अन्य देश के लोग इस मिट्टी को जमीन का टुकड़ा मानते हैं, लेकिन हम जो हिंदुस्तान में पैदा लेते हैं इस मिट्टी को, हिंदुस्तान की मिट्टी को जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, हम इसे माँ मानते हैं। यही धरती माता मुझे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, प्रधानमंत्री कृषि मंत्री बनते हैं। तब जब तक माँ बीमार रहेगी और संतुलित उर्वरकों के कारण मिट्टी मर रही है हिंदुस्तान में, बीमार है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाओ। मैं राज्यों को पैसा दिया, एक मानक तय किया और 12 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया पहले ही चरण में। दूसरा चरण भी शुरू है, हम राज्य को पैसा देते हैं और हर 2 साल पर उसके मिट्टी की जांच होनी चाहिए, उसको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलना चाहिए और जो अनुशंसा है उसके मुताबिक खेत में रासायनिक उर्वरक देना चाहिए। जो चौथी बड़ी बात है, हर खेत को पानी, लागत कम होगा कब, जब हर खेत को पानी सरकार उपलब्ध कराएगी। यहाँ हालत क्या है कि हम गांव के किसान हैं और गांव में जो जमींदार है उसके पास बोरिंग है, अब बोरिंग से पानी चलाता है और उसका लड़का कुर्सी लेकर बैठा है, 1 घंटा आदि मेरे खेत में पानी पटा तो 200 रुपया देना। और दीनदयाल जी ने वर्षों पूर्व कहा था कि यदि हर हाथ को काम देना है तो हर खेत को पानी, ये इटली नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ 125 करोड़ लोग हैं, 250 करोड़ हाथ, और सबको काम देना है, हर हाथ को काम देना है तो हर खेत को पानी चाहिए। इस दृष्टि से मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि इस देश में 99 बड़ी बड़ी परियोजनाएं सिंचाई की 30 बरस से लंबित थी, और मैं जब मंत्री बना था तो लोकसभा में हमसे सवाल पूछा गया कि 99 बड़ी बड़ी परियोजना क्यों लंबित। अब पूछने वाले ने 48 साल तक राज किया था देश में एक परिवार के नेतृत्व, और वही सवाल पूछ रहा था, उसको शर्मा रहा था कि नहीं, हम तो शर्मा रहे थे कि भाई हम तो कल परसों मंत्री बने हैं और ये 99 परियोजनाएं, बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं लंबी बरसों से लंबित, पूरी धनराशि सभी राज्यों को दी गई है और मुझे पूरा भरोसा है ये दुर्गावती परियोजना और खुनपुन की परियोजना पूरी राशि दी गई है, और 18 के अंत तक बिहार की दोनों परियोजनाएं पूरी होगी
और झारखंड का स्वर्ण रेखा परियोजना पूरी होगी और देश के 99 परियोजनाएं पूरी होगी। 40 पूरी हो चुकी है, 2 साल लगते लगते सारी परियोजनाएं। खेत में जो परत बनती है उससे भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सूक्ष्म सिंचाई योजना, बूंद बूंद पानी, माइक्रो इरीगेशन, फव्वारा इरीगेशन, और ये 2-3 सालों से हम इसके लिए राज्यों को पैसा दे रहे हैं और बड़ी तेजी से लगभग 70 करोड़ रुपया झारखंड, थोड़ा बहुत अंतर होगा, दोनों राज्यों को दिया है। और माइक्रो इरीगेशन का इलाका बढ़ रहा है जिसमें लागत कम है और उपज ज्यादा है। देखिए, एक बच्चा हॉर्टिकल्चर के भी हैं, यदि माइक्रो इरीगेशन हो तो उत्पादकता भी बढ़ती है और पानी का भी खपत कम होता है। किसानों को जो कर्जे मिलते हैं फसली ऋण के लिए, फसली ऋण के लिए जो कर्जा मिलता है तो ये पहले 9% ब्याज पर अटल जी के पास, उस समय इसको 7% किया गया और 7% करने के बाद ये 3% भारत सरकार अपने खजाने से देती है। पहले 2% दिया, अब 3%, यानी 5% भारत सरकार के खजाने से हम देते हैं बैंक को और किसान को 4% देना पड़ता है ब्याज फसली ऋण के लिए। और कई राज्य सरकारों ने तो अपने खजाने से भी देकर 0% ब्याज पर किसानों को, ताकि उनको इनपुट कॉस्ट कम हो जाए, लागत कम हो जाए। आपको दलहन के मामले में मैं आपको बताऊंगा, आमदनी बढ़ने के अलावा मैं बता रहा हूं कि मेड़पड़ भी अरहर की खेती, हरित क्रांति 265 में आया, 1965 में आया, हमने 10 मिलियन टन का उत्पादन बढ़ाया, लेकिन दलहन और तिलहन में तो खजाना खाली होता रहा। किसानों को कहा 150 बीज हम बनाए हमने और मेड़ पर भी अरहर की खेती करो, और मैं कह सकता हूं कि हरित क्रांति में 10 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई 10 वर्ष के अंदर, और 3 साल के अंदर 16 मिलियन टन जो दलहन पैदा होता था हमने पिछले वर्ष उसको 24 मिलियन टन पर ले गए, 6 मिलियन टन की बढ़ोतरी 2 साल के अंदर किया है। और दलहन के मामले में अब हम आत्मनिर्भर, देश भर के कृषि मंत्रियों को बुलाया, राजनाथ सिंह जी मंत्री थे, और उस मंत्री में, उस कृषि मंत्रियों की सम्मेलन में मार्केटिंग में किसान को अच्छा मूल्य मिले इसके लिए 7 प्रकार के सुझाव दिए गए थे। वो सुझाव थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, लैंड रीडिंग पॉलिसी के, और मार्केट को इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनाना, क्योंकि किसान जब बाजार में जाता है तो वहां बिचौलिया उसका गेहूं धान हाथ में लेता है और कहता है जो तुम्हारा माल खराब है। और उसी समय सुझाव आया कि 22,000 ग्रामीण मार्केट है, इनको भी इसमें स्ट्रेंथ करके जोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनाओ, ताकि सब चीज लैब में जाए और बोली लगाए, कंपटीशन करे खरीदार, ई मार्केटिंग। 2004 से 14 के बीच में 2010 में एक बैठक हुई, कोई इसकी चिंता नहीं। जब हमारी सरकार आई, प्रधानमंत्री जी ने देखा तो ई मार्केटिंग, अब देश के 585 मार्केट को 31 मार्च 18 तक हम जोड़ चुके हैं, जहां किसान सामान लेकर जाता है तो बिचौलिए दाम नहीं तय करते, केबिन में बैठना पड़ता है या क्वालिटी सामने आता रहता है और तब उसमें बोली लगाते हैं, जो ज्यादा देता है वो खरीदता है। पहले वो ये था कि किसान को प्रीमियम ज्यादा देना है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, देश के किसानों को पूर्णतः सुरक्षा कवच चाहिए, उस फसल बीमा को बदला और किसान के प्रीमियम को कम किया और खजाने पर बोझ आया, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन किसान का 1.5% रबी में, खरीफ में 2% किया, और कैपिंग 40,000 के बदले 15,000 नहीं, यदि आपदा आती है, नुकसान होता है तो 40,000 का भुगतान होगा, और बुआई के पहले भी यदि आपदा आ गई, एक किसान कर्जा लेता है या अपनी पूंजी लगाता है
मेहनत किया, जुताई किया, बीज खरीद के लाया और रात में बाढ़ आ गया, बुआई तो नहीं, तो इसकी भी भरपाई बीमा कंपनी को कर दी। फिर कटाई के बाद हमारा खेत में फसल खलिहान में फसल पड़ा हुआ है, इसमें प्रावधान किया कि कटाई के बाद भी 14 दिन तक यदि पड़ा हुआ है और आपदा आई तो पूरा भुगतान कंपनी को करना पड़ेगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि पहले जो 2-3 करोड़ लोग बीमा कराते थे वो संख्या बढ़ के 5 करोड़ हो गई एक साल में। और जहां आपदा आई, ये देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के का प्रीमियम खरीफ 17 में था 131 करोड़ और वहां आपदा आई तो भुगतान हुआ 1303%, माने 1000 गुना ज्यादा। तो ये आपदा आने पर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये देश के किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है। देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हम 85% जो गांव के गरीब हैं और किसान हैं देसी नस्ल की गाय पालते हैं, दूध के उत्पादन में हम दुनिया में 1 नंबर हैं लेकिन उत्पादकता में बहुत पीछे। बड़े बड़े लोग तो संकर विदेशी नस्ल के पालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गांव का एक गरीब जिसको खेत भी नहीं है, छोटा किसान जो गाय रखता है, उसको 0.5 लीटर 1 लीटर दूध होता है। देसी गायों के संवर्धन के लिए देश में कोई योजना नहीं थी। हमने शुरू की राष्ट्रीय गोकुल मिशन, अभी तक हम 20 गोकुल ग्राम बना चुके हैं इसी बिहार में। बक्सर के अंदर एक गोकुल ग्राम बनाया है, उधर बनारस के अंदर बनाया है कि उस राज्य के देसी नस्लों का वहां संवर्धन हो। केंद्रीय कृषि मंत्री के अलावा जी मीडिया की तरफ से आयोजित किसान विमर्श कार्यक्रम में शामिल हुए बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार, जिन्होंने बताया कि बिहार सरकार किसानों के हित में किस तरह काम कर रही है। किसान भाइयों को हमने इनपुट सब्सिडी दिया, बिहार पहला राज्य है जहाँ किसानों को पहले हमने प्रति मतलब 10 कट्ठे पर 6000 रुपए का इनपुट सब्सिडी दिया है। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा कि बिहार का कोऑपरेटिव विभाग भी किसानों के आर्थिक हालात बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इन सभी खास मेहमानों से दूर दराज के क्षेत्रों से आए किसानों ने सीधा सवाल भी किया, साबित करिए कि हम अच्छी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, सरकारी जमीन लीज पे उनको दिया जाए या जैसे भी उनको जमीन उपलब्ध कराए। आप सबकी आवाज जी मीडिया के इस मंच पर उठी, फिर क्या हुआ बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि सरकारी जमीन लीज पर किन किन लोगों को दिया जाए, अगर मान लो कि 25 एकड़ निकल गया। देखते रहिए कृषि विमर्श। लैंड लीजिंग पॉलिसी राज्यों को कहा है, कोई राज्य सरकार के पास जमीन बहुत ज्यादा है तो दे, उसके लिए हमने राज्यों को मॉडल एक्ट दिया है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कृषि कार्यक्रम में आप देख रहे हैं जी मीडिया की एक खास पहल कृषि विमर्श। दरअसल पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में हमने जहां बिहार झारखंड के कई किसानों को आमंत्रित किया था, वहीं लोक संगीत के माध्यम से यहां की ग्रामीण संस्कृति की मोहक छटा का भी ख्याल रखा। बिहार के कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री ने गांव की भीनी खुशबू से भरे इस माहौल में किसानों की तरक्की के लिए किए जाने वाले कार्यों की पूरी रूपरेखा रखी। इनका मुख्य मकसद था किसानों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना, ताकि योजनाएं सिर्फ फाइलों में ना रह जाएं, बल्कि किसान इसका लाभ उठा पाएं। खेती के साथ साथ आप मधुमक्खी पालन भी करें, खेती के साथ साथ
मछली पालन करें, खेती के साथ साथ आप मशरूम का पालन करें, जाकर खेती के साथ साथ बकरी पालन भी हो, बर्मी कंपोस्ट हो, बागवानी हो, क्योंकि पैक्सों को प्रबंधकीय अनुदान देना, ज्यादा से ज्यादा हम अधिप्राप्ति कर पाए इसलिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बैंक गारंटी देना, पैक्सों को 11% पर जहां मिलता था हम पैसा देते थे जो हमारी बैंक्स देती थी उसको घटा के 8% पे करना। यहां मौजूद किसानों ने खुलकर जी मीडिया के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया और अपनी समस्याएं, अपने सवाल मंत्रियों के सामने रखे। मंडी की व्यवस्था कर दी जाए तो हम किसान जो उत्पादन करते हैं उसको वहीं से हम लोग एक रेट देख करके वहीं से हम लोग रेट तय बारे कर सकते हैं। तो बिहार में बातचीत चल रही है, सरकार ने यदि ई मंडी में बड़े मंडियों को जोड़ा तो फिर छोटी मंडी भी उसमें जुड़ जाए, लेकिन ये नियम कानून जो मंडी कानून राज्य बनाते हैं। इतना ही नहीं, यहां आमंत्रित किसानों को जी मीडिया के माध्यम से मंत्री जी ने सम्मानित भी किया। अपने ही दम पर ये मुकाम हासिल किया है सरकार की योजनाओं के जरिए। जी मीडिया आपसे वादा करता है कि किसानों को फोकस कर ऐसे सफल आयोजन हम आगे दूसरे क्षेत्रों में भी करते रहेंगे। हर महिला के लिए मिसाल बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू कुमारी जी और मुबारक आपको सम्मान के लिए। कार्यक्रम के स्पॉन्सर है कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NFDB, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, किसान विमर्श, जी मीडिया।